गाइज़ फॉर थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ जेनफोन प्रो एम वन की यूजर्स एंड्रॉयड टेन की अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन आसूस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एंड्रॉयड टेन के अपडेट अपडेट को उन्होंने पीछा दिया है बीटा टेस्टर्स प्रो एम वन की एंड्रॉयड टेन भरसन से सैटिस्फाई ना होने से इट्स एक्सपेक्टेड दैट मिड मे के अंदर आशूस अपने एंड्रॉयड टेन के अपडेट को कन्फर्म कर देगा लेकिन ऑफिशियली अपडेट आने से पहले ही इंटरनेट पे प्रो एम वन की एंड्रॉयड टेन की स्टेबल वर्सन लीक हो चुका है अपडेट की डाउनलोड लिंक तो ऑफिशियल लगता है लेकिन गाइस डायरेक्टली ले आसूस से ये लिंक नहीं आ रहा है वैसे ट्विटर में एक यूज़र पोस्ट किया है कि उसने इस वर्जन को डाउनलोड किया है और सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है वाइट वाइन एल वन सर्टिफिकेशन भी इनावल हो चुका है वाईफाई कॉलिंग फिंगरप्रिट फिंगरप्रिंट सेंसर सब कुछ प्रॉपर वर्किंग मोड में है तो इस अपडेट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लेकिन गाइस इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैनुअली फार्मवेयर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस पता होना चाहिए तो गाइस डाउनलोड करने के लिए आपको अपने रिस्क पे ही इस वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा गाइज़ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आसूस ने अभी ऑफिशियली uh, इस अपडेट को कन्फर्म नहीं किया है और अकॉर्डिंग टू मी आपको आसूस के ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए uh, तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज़ और ऐसे ही टेक अपडेट्स और और भी बहुत सारे टेक रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए गाइज़ हमारे ऑनलाइन सर्वर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी